और नहीं होगा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। यार सुबह सुबह को ग्राउंड में आने का जो मजा है ना, वो भैया अगर आप ग्राउंड में सुबह सुबह को जाते हो तो ही आपको समझ पाओगे, अगर नहीं जाते हो तो कट कर रहे हो भैया। सुबह को उठो और ग्राउंड में जाओ, क्या बताएं कितना बढ़िया लगता है। हेलो नमस्ते व्हाट्सएप गैंग की हालचाल, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक्चुअली यार ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारे घर से। हाँ जी, क्या हाल है। एक्चुअली 5 बजे निकलना था और अभी टाइम हो रहा है 5:45, हम लेट हो चुके हैं यार। सुबह सुबह ना बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता है, क्या करें लेट हो गए, तो बस मुँह हाथ धो के आपसे मिलते हैं। आज का व्लॉग शुरू है, चालू है, स्टार्ट है, तो क्या हाल है, बाकी की बात करते हैं आपसे। सुबह सुबह रोड का माहौल देख रहे हो, पूरा सन्नाटा, एक भी परिंदा आपको पड़ मारते हुए नहीं दिखेगा। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है और रोड पूरा खाली, कोई भी आपको नहीं दिखेगा, रोड पूरा खाली देख रहे हो। अभी हम जा रहे हैं दौड़ने के लिए। एक्चुअली आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, आज हमारे साथ हमारी दीदी भी जा रहे हैं और हमारा भाई, हमारा कैमरामैन भी जा रहा है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा आसाम पुलिस का इंटरव्यू होने वाला है। एक्चुअली हमारा 3 अक्टूबर को इंटरव्यू है और हमारा दीदी का 21 सितंबर को है, तो हमारी दीदी का हमसे पहले इंटरव्यू होने वाला है और वो भी जाएगी हमारे साथ प्रैक्टिस करने। तो यार चलो ना, चलते हैं भैया, जितना हो सकेगा हम ब्लॉग बनाएंगे। दीदी सुबह सुबह को उठ के दौड़ने जाने में कैसा लग रहा है आपको। अरे यार बोल दो, का है हमारे ब्लॉग में हमारे बेइज्जती करवा रही हो। तो भैया फाइनली हम जा रहे हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करने। एक्चुअली मेरा रनिंग 3 अक्टूबर के और हमारा दीदी का 21 सितंबर, 21 सितंबर है ना आपका। तो भैया हमारा दीदी का 21 सितंबर को रनिंग है, इनका ज़्यादा दिन नहीं है, यही तुम्हारा कुछ 10-12 दिन है अभी बचा कुचा, इन्हीं में प्रैक्टिस करना होगा। और सो भैया दीदी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12 दिन है, इन्हीं में इनको प्रैक्टिस करना होगा और अपना बेस्ट देना होगा। और भैया वैसे भी दीदी हमारी बहुत ही खतरनाक दौड़ती है, पीटी उषा है। तो भैया बस 10-12 दिन बचा है तो दमदार प्रैक्टिस करते हैं और चलते हैं। यार पत्थर की हरियाली देख रहे हो, सुबह सुबह पत्थर की हरियाली, क्या बताएं आपको, कितना सुंदर, कितना मनभावक लग रहा है। सो भैया सुबह सुबह पत्थर का शानदार नज़ारा देखिए, और साथ ही साथ हमारे सूरज देवता निकल चुके हैं जो कि अभी दौड़ने में हमारी हालत ख़राब करने वाले हैं। सो भैया यहाँ है खुला सुंदर सा मनभावक पत्थर और हमारे लेफ्ट साइड है डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी एयरपोर्ट। ऑल राइट, सो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने ग्राउंड के पास और ये रहा हमारा ग्राउंड जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। बस हम नहीं, यहां पे बहुत सारे लड़के आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आसाम पुलिस के, इंडियन आर्मी के लिए, बहुत सारे लोग यहां पे आके फुटबॉल खेलते हैं। तो यार यही है हमारा छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड। ये जो ग्राउंड देख रहे हो ये 200 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है, अगर इसका एक राउंड लगाते हो तो आपका 200 मीटर कंप्लीट होता है, तो हमें इस ग्राउंड का 16 चक्कर लगाना होता है 14 मिनट के अंदर। सो भैया हमारा कोशिश है कि हम इस ग्राउंड को 12 मिनट के अंदर 16 चक्कर लगा लें। सो भैया इस कारण हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी जान लगा दे रहे हैं प्रैक्टिस में, इस कारण हम ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहे हैं और ब्लॉग से काफ़ी मन हट चुका है। सो भैया ये भी ब्लॉग बना रहे हैं पर कुछ बोलने मन नहीं कर रहा है, क्या बोले क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो वो पंच लाइन होते हैं ना, जो वो डायलॉग्स होते हैं, जो पंच लाइन होते हैं, वो भी अभी दिमाग में नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे, क्योंकि हम अभी ब्लॉगिंग से और डायलॉग ये सब से माइंड हटा चुके हैं। हमने अपना सारा का सारा फोकस रनिंग पे दे रखे हैं क्योंकि हमें 11:30-12 के अंदर 3200 मीटर कंप्लीट करना है। यार बहुत मेहनत लगी है उसके लिए, तो उसके लिए हमें अभी जहाँ तहाँ दिमाग लगा के लाभ नहीं है, हमें पूरा का पूरा दिमाग अपने रनिंग पे लगाना होगा। इसीलिए भैया हम अभी ब्लॉग व्लॉग कुछ अपलोड नहीं कर रहे हैं। अगर भैया अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के अलग अलग नए नए मज़ेदार मज़ेदार ब्लॉग लेके आते रहते हैं। और भैया जो लोग पुराने हैं उन्हें पता चल रहा होगा हम अभी क्या कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्यों ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो भैया बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना
और अगर चैनल पे नए आ रहे तो सब्सक्राइब करना भैया। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी हम जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो भैया चलो, यार कुछ दिन पहले हमने ये निविया से ऑनलाइन ऑर्डर करा था यार। पहला दिन मैंने पहन के दौड़ दिया और हमारे पाँव में हो चुका है छाला, कट चुका है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक सही नहीं हुआ। और भैया ये जो टी शर्ट पैंट और ये जो बूट फुटबॉल बूट देख रहे हो ना, ये सब हमारे दीदी ने हमें दिया है। और भैया अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह वाह भैया दीदी भाई से कितना प्यार करती है, तो भैया आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। हमारे दीदी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है कि हमें नौकरी मिलने से हमारे सैलरी का 50% उनके अकाउंट में जाएगा। भैया आप लोग ये मत सोचना हमारे दीदी हमें ये सब गिफ्ट दे रही हैं, वो हमसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुकी है कि सैलरी का 50% उनको देना पड़ेगा, समझ रहे हो? विश्वास नहीं होता है। ओए सैलरी का 50% चाहिए क्या आपको? कितना परसेंट चाहिए सैलरी का दीदी? आपको सैलरी का कितना परसेंट चाहिए? सब भैया अभी दीदी को लग रहा है शर्म, पर इन्होंने मुझे बोला है कि ये सब तुझे किन के ला दी हो, लेकिन तेरा सैलरी का 50% हर महीने सैलरी का 50% मुझे चाहिए होगा। और हमने मजबूरन बोल दिया ठीक है ले लेना, आगे कौन देखा जाता है, आगे कौन किसको देता है। सब भैया पहन लेते हैं, बात करते हैं आपसे। सो भैया हमने आपसे जो बोला ये सब मस्ती मजाक के लिए था, आप लोगों को तो पता ही होगा जो हमारा है वो हमारे परिवार का है, जो हमारे परिवार का है वो हमारा है। तो ये सब जो था मस्ती मजाक के लिए था और कुछ नहीं। वैसे हमारा दीदी ने सच में 50% की डिमांड की है, वो बात अलग है। कोई नहीं, आप वीडियो देखो। ऑल राइट सो भैया आज का हमारा शेड्यूल है 200 के दो चक्कर लगाने हैं, 400 के चार, और नॉन स्टॉप 45 मिनट रनिंग करना है नॉर्मल स्पीड पे। सो भैया यही है आज का हमारा शेड्यूल। और भैया जो रेगुलर लाइफ में हो रहा है ना वही हम शूट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ शूट नहीं कर रहे हैं। सो भैया जो हो रहा है उसी को शूट कर रहे हैं और इसी को तो ब्लॉगिंग कहते हैं। सो भैया हमारे दीदी को 1600 मीटर दौड़ना होगा और उन्हें 8 मिनट मिलेगा। सो भैया हमारे दीदी काफ़ी अच्छा दौड़ ही लेती हैं, 7 मिनट 40 सेकंड के अंदर घुस जाती है, तो उनको और थोड़ा कम करवाना है टाइमिंग। तो भैया उनके साथ थोड़ा रनिंग करना है। भैया अगर मैं उनके साथ रनिंग करता हूँ ना तो उनका टाइम थोड़ा कम हो जाता है, अगर मैं उनके साथ रनिंग नहीं करता हूँ तो 8 मिनट से थोड़ा ऊपर लग जाता है। तो भैया वो चीज़ को कम करना है और बाकी सब बढ़िया है। तो थोड़ा वार्म अप करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और हाँ आज हमारे ग्राउंड में सुबह सुबह को सब रेस्ट दे रहे हैं, कोई आया नहीं है, जो आया है मैं उनको आपसे मिलवा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, और बाकी का बाकी देखते हैं। अगर शाम को आते हैं तो ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट करेंगे, बाकी सब बढ़िया है। सो भैया ये रहा हमारा कैमरामैन कमलेश कृष्णा यादव, और ये रहे हमारे एक लीजेंडरी प्लेयर जो कि बहुत ही तगड़ा बहुत ही खतरनाक दौड़ते हैं। सो भैया ये रहे हमारे यहाँ के बहुत ही खतरनाक लीजेंडरी प्लेयर। भैया आपका नाम क्या है? अभिजीत गगोई। भैया चलो मिलते हैं, दौड़ते हैं आपसे। और हमारे साथ हैं हमारे दीदी जो कि अभी वार्म अप कर रही हैं, और है हमारा एक भाई भी है जो कि ऐसे ही फालतू उठ के आ जाते हैं, बोलता हूँ दौड़ने के लिए लेकिन वो बस मुँह उठा के चला आता है, वो बात अलग है, उसको भी दौड़ाएंगे आज। और बाकी सब बढ़िया है। तो भैया चलो करते हैं थोड़ा वार्म अप और उसके बाद देखते हैं जो होता है होते हैं। पिघला दे जंजीरे बना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह घायल पर है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला
तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही रनिंग हो गया यार, हालत ख़राब हो गया, कसम से बता रहा हूँ यार, आज बस वार्म अप करके हालत ख़राब हो गया यार। जितना भी एक्सरसाइज करा सारा का सारा एक ही वीडियो में लेना नामुमकिन है यार, मुश्किल है। और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया ही नहीं, तो यार प्रैक्टिस करते हुए ब्लॉग बनाना, या तो ब्लॉग बनाओ या तो प्रैक्टिस करो, कसम से बता रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ यार, देखते हैं यार। ऑल राइट सो गाइस, रनिंग हो चुका है और यार स्पोर्टिंग का हालत देख रहे हो, पूरा भीग चुका है, इससे नचोड़ेंगे तो पूरा पसीना ही पसीना निकलेगा यार। 15 तारीख को 16 राउंड दौड़ के देखेंगे टाइमिंग में, देखते हैं कितना निकलता है। वैसे तो यार 13 मिनट लगता है, देखते हैं 12 मिनट से पहले निकलते हैं नहीं 15 तारीख को दौड़ेंगे। दीदी कैसा लगा दौड़ के आज? मज़ा आया, अच्छा लगा। तो भैया रनिंग हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 8:05 यार, 2 घंटा रनिंग किए और एक दिन आपका भाई ऐसी गाड़ी में घूमेगा। अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, तो शरीर में जान नहीं है कुछ बोलने के लिए, कुछ बात करने के लिए, बस इतना ही बताना था कि अगर हो सकेगा तो शाम को आएंगे, वरना देखते रहो ना, अगर शाम को आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। चलते हैं घर, खा पी के थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद शाम को वापस आते हैं। ऑल राइट सो भैया, हमारा जो ग्राउंड है ना वो ऊबड़ खाबड़ है, तो दौड़ते दौड़ते पाँव में कहीं कहीं मोच आ जाता है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें हमेशा सेकना पड़ेगा, अपने शरीर का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोग भी दौड़ रहे हो ना तो गर्म पानी में नमक उमक डाल के अपना पाँव का ख्याल रखा करो, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है और हमें अपना शरीर का ख्याल रखना होगा।
नहीं तो हम एन वक्त पे ही नहीं दौड़ पाएंगे, तो इतनी मेहनत क्या फ़ायदा। तो बस दीदी को बुलाते हैं, उनको भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं। बस मिलते हैं आपसे, आइए आइए। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा ब्लॉग बनाते साथ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, और हमने एक ही साथ दोनों किया, तो जितना सोचा उतना बढ़िया तो नहीं बना सके, पर हमने अपने से हमने अपना पूरा बेस्ट दिया, अपने से पूरा मेहनत करा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यार पता नहीं वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी यंग, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, चिक चिक बूम।